वेलकम फ्रेंड्स, ये मैंने सूजी लिए एक नाप और इसके अंदर मैंने 2-1.5 नाप पानी डाल के इसको ढक दिया था और पानी डाल के इसको वैसे रख दिया था। अब ये सॉफ्ट हो गई है, ये देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। तो फिर हम इसको आलू में मैश कर लेंगे इसके साथ, देखिए। और इसको मैं फिर चूल्हा जला के हल्का हल्का सा और पका लूँगी। चलो ये पक जाएगा तो फिर इसको आलू को उसके साथ मैच करके फिर हम इसमें बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी चिप्स बनाएंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। इसे निकाल लिया है आलू, वो सूजी, और ये इस तरीके की हो गई है, एकदम जान हो गई, एक जान हो गई ना। इसके अंदर मैं ये 2 आलू ग्रेट कर लूँगी, ये बारीक बारीक से, ये सबसे बारीक, ठीक है। इसे मैं बारीक करके डालती हूँ इसके इस तरीके से। फिर इसको हम जो हाथ से ऐसे करेंगे और ये हमारा एकदम हाथ से एकदम नरम नरम हो जाएगा। जो गुठलियाँ होंगी वो भी हमारी नरम हो जाएंगी, वैसे तो गुठलियाँ हैं नहीं। ये देखिए इस तरीके से, इसमें मैंने नमक डाल दिया था और पिसी मिर्च डाली है। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डाल सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं, इसमें पिसी मिर्च डाल सकते हैं, गर्म मसाला डाल सकते हैं और काली मिर्च डाल सकते हैं। बस इसको इस तरीके से करके फिर ये आलू इसमें मैश कर देंगे। इस ये फिर ऐसे हमें ऐसे मिला के देखिए, ऐसे मिला के ये देखिए, ये देखिए ऐसे जब ये मिल जाएगा फिर इसको हम एक सीधी ले लेंगे, प्लेट ले लेंगे या फिर तसला ले लेंगे या फिर आप ऐसे चौकी ले सकते हैं। इसको पेड़े की तरह बना लेंगे 200 में करके। फिर इसके बाद फिर हम बेल कर इसके पतले पतले, जब ये सेट हो जाएगा उसके बाद हम पतले पतले बारीक बारीक चिप्स की तरह काट लेंगे। इसके तल के भी मैं आपको दिखाऊंगी और दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये चिप्स बनते हैं इसके सूजी और आलू के। फ्रेंड्स, इसे मैंने घी लगा लिया हल्का सा, फिर आप इसको इस तरीके से भून देंगे। ये भून लिए हैं, जब मैंने इसको एक साथ चल लिया तो ये भून गया है। तो आप ये देखिए एकदम जैसे आटे की तरह ना एकदम स्मूथली ऐसे भूनना है आपको, ये आप ऐसे भूनना है इस तरीके से। ये बहुत प्यारा और बहुत मज़े का बनता है और यमी बनता है, इतना यमी बनता है कि बच्चे खाते हैं बहुत शौक से। और ये मैं बना रही हूँ अपनी दारिश के लिए, वो खाती है बहुत शौक़ से, अभी काफ़ी टाइम से बना नहीं रही थी मैं, जो कि उसने अपनी फरमाइश पे बनवाया है और हस्बैंड ने भी बनवाया है। तो उसकी रेसिपी आप लोग को पसंद आएगी इंशाल्लाह आगे, और आप इसमें सब्सक्राइब भी करें चैनल को, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और आगे लोगों को पहुँचाइए। बच्चे खाते हैं बहुत शौक से, आप लोग बनाइए और इसके आगे मैं तल लूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँ। मैंने इस तरीके से ऐसे हो गए, हल्का सा तेल लगा और इसको इसको समेट लें, कहीं से पक नहीं रहा, कहीं से कुछ हो नहीं रहा। ये देखिए इसे करके हल्का सा ऐसे मोड़ दीजिए, इसे आटे की तरह मोड़ के देखिए। और ये देखिए मैं कहता टेस्ट बनाए और इसको मैं टेस्ट होने के लिए रख दूँगी। फिर इसके बाद इसको मैं फैला लूँगी एक जगह, जब मैं काटूँगी तो तब भी आपको दिखाना। मैंने ये ले लिया है इस तरीके का प्लेट, आप ले सकते हैं इस तरीके का प्लेट है। और मैं इसमें रख दूँगी थोड़ा सा तेल डाल के पूरी सब जगह फैला दूँगी। इसमें आधा लूँगी, आधा इतना लूँगी ताकि जो है फिर बाद में बना सकूँ। इस तरीके से मैंने इस तरीके से कर दिए, ये मैंने अब इसको काटने रहना है। ये देखिए मैं हल्का सा छुरी में तेल लगा लीजिए, इसके साइडों में छुरी में तेल तेल था पहले से। तो ये देखिए मैं इस तरीके से काट रही हूँ इस शेप में, इसको मैं पतला कर दूँगी अभी इस शेप में, जितना हम लेना चाहें थोड़ा पतला और पतला कर दूँ। देखिए थोड़ा इस तरीके से हिसाब से जैसे हम चिप्स काटते हैं ना, चिप्स खाते हैं ऐसे, ये देखिए ऐसे काटे।
सेट हो गया है। इसी तरीके से सारा कट जाएगा। अभी मैं इसको भी मैं सारा कट ये से ये और ये देखिए थोड़ा हम इतना ले लेंगे ज़्यादा बड़ा नहीं ले रहे ऐसा ये देखिए ठीक है। बाकी के भी सारे कट इसको छोड़ सकते हैं ऐसे ये देखिए ले दोगे ऐसे छोड़ सकते हैं ऐसे ले दोगे। तो आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं और इसी तरीके से बच्चों को खिला सकते हैं। काट चुके हैं ये सब ऐसा और ये लेदा कर दिया मैंने ऐसे काट के ये मैंने देखिए ये उठाया हमने ऐसे इस तरीके से और मैंने गर्म एकदम गर्म तेल करना है काफ़ी देर से ये देखिए सॉफ्टली वो जोर से ऊपर से डाले हल्के से इसी तरीके से मैंने ऐसे ऐसे कर सकते ये सारे से डाल ये तल जाएंगे तो फिर इसका शेप कर लेंगे देखिए उंगली से भी उठ जाएगा अगर ये बहुत अच्छा बाइंडिंग होगा तो उठ जाएगा वरना तो बिगड़ जाएगा। पानी आग के साथ ही डाल देगी ठीक है जी। फिर से बता देती हूँ ऐसे करके सॉफ्टली आराम से चलिए बाद में मिलते हैं क्या लगेज मैं क्या लगेगा और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये ऐसे हम इस तरीके से ऐसे क्रम क्रम आ रहा है ये देखिए अच्छा है ना। अब इसको इसी तरीके से सारे कर लेंगे और इन्हें थोड़े सोने को लेंगे आज ताकि जले नहीं और क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाए रहते हैं ये इस तरीके से ये देखिए इसको तो देखो ये देखिए। जी फ्रेंड्स ये देखिए इतने प्यारे और इतने मज़ेदार क्रिस्पी क्रिस्पी बने हैं और आप भी बनाइएगा ज़रूर बनाइएगा बहुत ट्राई कीजिएगा और एक बार तो ज़रूर कीजिएगा बनाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और इसके साथ कमेंट्स भी कीजिएगा। ये देखिए मैंने बनाए अलग अलग निकाल के रखे और ज़ारिश आएगी तो मैं ज़ारिश को भी खिलाऊंगी ये देखिएगा आप और इसकी टेस्ट बहुत मज़े का होता है ना टे ये आ गई ज़ारिश ये देखिए ज़ारिश आ गई है इसको बहुत मज़े के लगे और मैंने बनाया और कितने टाइम बाद ओके बहुत टाइम बाद ना को बहुत पसंद है ना ये ये देखो गरम है ओ गरम है भाई गरम है भाई गरम है भाई गरम है दिखाई दिखाई दे कैसा है यम्मी है तो मम्मी प्याज कौन डाली है